हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। ऐश्वर्या ने पेरिस में अपनी अदाओं का बिखेरा जादू, मैचिंग कपड़ों में दिखी बेटी आराध्या भी। अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय ने पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लिया। इस ग्रैंड इवेंट में ऐश्वर्या ने एक बार फिर से अपनी खूबसूरती और अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया। ऐश्वर्या ने फ्लोरल प्रिंट की पर्पल रंग की ड्रेस पहनी थी, साथ ही उन्होंने फर के शूज भी कैरी किए थे। इस दौरान ऐश्वर्या ने बालों का बन बनाया हुआ था, पर्पल कलर की ग्लिटर आई शेडो और शाइनिंग रेड कलर की लिपस्टिक उनके लुक को कंप्लीट कर रही थी। 45 साल की ऐश्वर्या जब रैंप पर पहुंची तो खुद को चीयर करती नजर आई। उन्होंने अपना सिग्नेचर पोज भी दिया। वैसे भी ऐश्वर्या रैंप पर अक्सर इस अदा के साथ देखी जाती है। सोलो रैंप वॉक के बाद वो दूसरी मॉडल्स के साथ रैंप पर जलवा बिखेरती नजर आई। इतना ही नहीं, पेरिस में ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी आराध्या भी पहुंची है। माँ की तरह आराध्या ने भी फ्लोरल प्रिंट की ड्रेस कैरी की। कान फिल्म फेस्टिवल हो या पेरिस फैशन वीक, ऐश्वर्या अपनी बेटी को जरूर साथ ले जाती है, जहाँ आराध्या भी हमेशा माँ से मैचिंग करते हुए कपड़े पहनती हैं। वहीं अगर ऐश्वर्या के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही मणिरत्नम के साथ काम करती दिखाई देंगी। फिल्म का नाम पोनियन सेल्वन है, इसे लाइका प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। खबरों की माने तो ऐश्वर्या फिल्म में डबल रोल करती नजर आएंगी, वो माँ और बेटी के किरदार में आपको दिखाई देंगी। ऐश्वर्या आखिरी बार साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म फन्ने खां में नजर आई थी। फिल्म में ऐश्वर्या के साथ अनिल कपूर और राजकुमार राव की मुख्य भूमिका थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सफल नहीं हुई। फिलहाल कुछ भी कहो, ये तो मानना ही पड़ेगा कि पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या का जलवा देखने लायक रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।